आवाज आ रहा है? यस सर आ रहा है। यस सर। बहुत देर से हो रहा था कि बस उसी समय हो रहा था? नहीं सर उसी समय स्टार्ट हुआ था। हम बोल रहे थे क्या आपको ये क्या ओभरी है, ओभरी के बाद क्या देख रहे हम लोग, है ना? ये आपको 3 काल बुद्धि ना होगा, ठीक है? ये 3 चीज जो देख लिए थे हम लोग, तो उसके बाद हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि सर इस किनारे वाले रीजन में क्या होता है, बहुत सारे प्राइमरी ऊसाइट बन जाते हैं सर। अभी हम बोले भी थे जब वो माँ के गर्भ में रहती है तभी 10 लाख के आसपास में प्राइमरी ऊसाइट बन जाता है। ये सब क्या प्राइमरी ऊसाइट है जी? और प्राइमरी ऊसाइट जो होता है सर हजारों लाखों की संख्या में बन जाता है, मिलियंस में बन जाता है प्राइमरी ऊसाइट, है ना जी? अब एक मुद्दा ये आता है कि प्राइमरी ऊसाइट ये भी स्टेप माँ के गर्भ में ही कर लेता है। अगर ये स्टेप नहीं ना करता माँ के गर्भ में तो सर ये आपको लॉन्ग लीव रहता है ना जी, WBC नहीं भड़कता। लेकिन सर क्या होता है कि WBC भड़क जाता है इसको देख करके कि भाई तू लोग आगे जाके मियोसिस करोगे, सेल पे कब्जा मतलब शरीर पे कब्जा करोगे। हमारे शरीर का मानसिकता होता है कि डिप्लॉयड को ही पसंद करता है, लेट सो रहा है तुम। हाँ तो घर में पढ़े ना, ऑनलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो तो सब कुछ के पढ़ रहा है ना? जैसे करता है रहता है 15-16 को, 17 को था अभी फर्स्ट में, अभी सब 13 को हो गया, फिर 4 को कहीं हो गया। तो हम बता रहे थे क्या आपको कि प्राइमरी ओसाइट्स है समझिए, और ये प्राइमरी ओसाइट्स जो है ना, सॉरी यहाँ यही तो थे प्राइमरी ओसाइट्स जो है ये आगे जाकर के सर क्या होता है ना जी, ये डिवाइड करता है ना जी। डिवाइड करने के बाद ना जी आपको मियोसिस में बनता है जी, ठीक है? मतलब मियोसिस करने जा रुक जाए को हाँ। तो हम बोलना क्या चाह रहे हैं आपको, हम ये बताना चाह रहे थे आपको कि जब वो मतलब लड़की जो माँ के गर्भ में रहती है तभी आपको क्या होता है कि सर प्राइमरी ओसाइट बन जाता है, ये मियोसिस करने भी चला जाता है। यही सबसे बड़ा ब्लंडर है उसके लिए, वो मियोसिस करने जो चली जाती है, ठीक है? तो सर WBC भरा जाता है, WBC उसको खाने की कोशिश करता है जी, ठीक है? किसी तरह से उसको खत्म करने की कोशिश करता है, और सर यही वो कारण है जिससे WBC है ना प्राइमरी ओसाइट की आबादी को घटा देता है। माँ के गर्भ में रहती है तो 10 लाख रहता है, और जब 14 साल की उम्र में आती है तो मात्र उसके अंदर 60,000 ही बचता है, और अपने पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ में मात्र 400 ओबम ही बाहर निकल पाती है। कोई भी फीमेल है ना अपने पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ में 400 से ज्यादा ओवम भी नहीं बना पाते, मतलब 200 इधर से या 200 इधर से, जबकि दोनों में 60-60 हजार था। और कहा जाए माँ के गर्भ से काउंट किया जाए तो दोनों में 10-10 लाख था, मतलब 20 लाख ओवम था, उसमें से मात्र 400 ही ओवम बाहर निकल पाता है, बाकी सारे ओवम समय के साथ गल जाते हैं, WBC खत्म कर देता है। 55 साल की उम्र में आते आते WBC पूरे तरह से ओवरी को ही गला देता है, ठीक है? टेस्टिस रिमेन आपको रहता है सर, ठीक है, लाइफ लॉन्ग तक रहता है, बट ओवरी है ना सर 45 साल के बाद या 55 साल के बाद खत्म हो जाता है। कोई भी फीमेल और 55 साल की उम्र में माँ बनना चाहिए वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ओवरी क्या हो जाता है, डिजनरेट कर जाता है जी, ठीक है? समझा ना जी? और वो जो तुम्हारा जो क्वेश्चन था जी मुनीर, है ना जी, ऑस्टियोपोरोसिस, है ना जी? और ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, जब 45 साल की उम्र में है ना जी ओवरी डिजनरेट कर जाता है, तो ओवरी डिजनरेट करने से हार्मोन भी निकलना बंद हो जाता है जी। और इस वजह से सर क्या होता है, उससे बहुत सारा क्या होता है, वीकनेस आने लगता है, हड्डी कमजोर होने लगता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ना आपको बोन डेंसिटी घटा देता है। बहुत सारा प्रचार सा भी आता है, देखिएगा फीमेल हॉर्लिक्स करके जो प्रचार सा आता है उसमें ये दिखाता है कि बोन का डेंसिटी कम गया, बोन की डेंसिटी बढ़ाने के लिए ये दवा खाइए जी, ठीक है? एक्चुअली में फीमेल में बोन डेंसिटी कमजोर क्यों पड़ जाता है, हड्डी खराब क्यों होने लगता है, क्योंकि सर उसमें है ना आपको ओवरी डिजेनरेट कर जाता है एट द एज ऑफ 45+, है ना, या 55+ आते आते 55 साल की उम्र में आते आते ओवरी डिजेनरेट कर जाता है, WBC पूरा गला के इसको खत्म कर देता है। इसलिए सर वो फीमेल 55 साल की उम्र के बाद माँ नहीं बन पाती है, ठीक है? कि ओवरी है ही नहीं, ओबम है ही नहीं, और यूटेरस सिस रहने से थोड़े काम हो जाएगा, ओबम भी तो आना चाहिए था, और हार्मोन भी तो निकालता यही है, हम आपको बताए थे ना, हार्मोन भी निकालता है। अब देखिए स्ट्रैटेजी क्या है सर, कि फीमेल में जब प्राइमरी ओसाइट बन जाता है, इस प्राइमरी ओसाइट को ना कुछ सेल घेर लेते हैं जी, कुछ रक्षा करने के लिए आस पास में इसके सेल आ जाते हैं जी। इसके आस पास में जो सेल आ जाता है वो सेल तुमको फॉलिकल जैसा लगता है, हम आपको एक बार फॉलिकल का डिफिनेशन समझाए हुए हैं। फॉलिकल किसे कहते हैं, जिसके सेल के पास कैविटी हो, बहुत सारा सेल हो सर घेरा लगा के कैविटी बनाता हो, जैसे आप एल्विलाई वाला भी पढ़े थे ना अभी हाल फिलहाल में, मेमरी ग्लैंड के अंदर में एल्विलाई होता है, वो एल्विलाई घेर घर के कैविटी बनाता है, उसको हम लोग एल्विलाई फॉलिकल भी कह सकते हैं। फॉलिकल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे सेल हो और एक घेरा बना के रहता हो सर, ठीक है जी? जैसे आप बचपन में कभी खेले भी होंगे, अपने दोस्त सबका हाथ पकड़ के गोल सा घेरा बनाते हैं, और गोल सा जो घेरा बनाते हैं उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, फॉलिकुलर कैविटी के नाम से बुलाते हैं। ऐसे सेल जो घेरा बना के रहते हैं उसको फॉलिकुलर सेल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है? क्या जा रहा जी बात में, सेल हैविंग कैविटी ना, ग्रुप ऑफ सेल का ध्यान रखिएगा, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग हैविंग कैविटी इंक्लोज कैविटी,
a group of cells that enclose cavity, हमें जी ऐसे सेल का झुंड जो कैविटी बनाता है, एक सेल दूसरा सेल तीसरा सेल चौथा सेल पांचवा छठा सातवां ऐसे करते करते सर ये पूरा का पूरा घेरा बना देता हो, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं ना जी, फॉलिक्यूल्स के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, ये फॉलिक्यूल जो देखते हैं सर ये आपको घेरा बनाकर रहता है, इसके कैविटी को फॉलिकुलर कैविटी कहते हैं। दिमाग लग रहा है, हमने ये कहा कि जब प्राइमरी ओसाइट बन जाता है तो उसके चारों तरफ से एक फॉलिकुलर सेल का घेरा लगता है, ये फॉलिकुलर सेल क्या करता है इस प्राइमरी ओसाइट की रक्षा करता है, उसको बचा के रखता है अटैक ऑफ WBC, क्योंकि हम जानते हैं WBC को आके तंग करेगा ही करेगा। कितना तंग करेगा सर, 10 लाख है ना तो 60,000 तक ले जाता है। मतलब सोचो, मतलब आपको बचपन में हम ये भी बताया कि बच्चे में सर थाइमस ज्यादा बड़ा होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं हार्मोन चैप्टर में, नहीं तो आपको इसी बुक में हम चैप्टर 8 में पढ़ाएंगे। यहाँ पे एक थाइमस होता है जो WBC को खूब ट्रेनिंग देता है, WBC खूंखार रहता है हमारे लिए बचपन में। देखिए बचपन में कोई बीमारी नहीं होता हम लोगों को, अभी देखते हो ना कोरोना का भी केस देखते हो तो बच्चे में कोरोना का केस कम देखता है, क्योंकि बच्चे का इम्यूनिटी ज्यादा होता है उसमें। क्या देखते हैं, हालांकि वो बच्चे को पहले ये भी बात होना चाहिए कि वो घर से बाहर निकलता हो, यानी कि बच्चा जो घर में पैक रहता है उसका इम्यूनिटी बहुत ज्यादा रहता हो। ठीक है, जो बच्चा घर में एकदम शीशा में पैक करके रखा जाता है, बहुत माँ बाप अपने बच्चों को शीशा में पैक करके रखता है, तो उसके बच्चे का इम्यूनिटी की बात नहीं करें हम। जो नॉर्मल जो गाँव में जो लड़का सब होता है, या हम लोग जिस तरह से खेले कूदे हैं दरभंगा में, इस समय क्या देखते हैं सर, ठीक है, कि इम्यूनिटी खास अच्छा खासा रहता है और WBC में खूब खूंखार रहता है। इसीलिए सर जब लड़की जन्म लेती है तो उसके पास 10 लाख प्राइमरी ओसाइट्स रहता है, और 14 साल की उम्र आते आते या 15 साल की उम्र आते आते वहां से 60,000 से 80,000 ही बचता है सर। क्यों सर, कहाँ चला गया सर? WBC के द्वारा खा लिया गया, क्योंकि इन लोगों ने है ना मियोसिस डिवीजन करना शुरू किया था, दैट्स व्हाई, ये याद हुआ। अब जो बच गया सर वो है ना जी 60,000 भी बचा हुआ, तो 60,000 को बचाए रखने के लिए है ना इसी दौरान क्या बनने लगता है ना, फॉलिकुलर सेल बनता है जी। ये फॉलिकुलर सेल इसके बीच में क्या होता है, प्राइमरी ओसाइट्स होता है। आप लोग को याद आ रहा ना जी प्राइमरी ओसाइट्स क्या होता है, 2N होता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नाम हम कल रखे थे, इसका नाम रखे थे PF, प्राइमरी फॉलिकल। देखिए फंसोगे यही बात में, इवन हम भी जब पहली दफा क्वेश्चन सब बनाते थे ना उसमें फंस जाते थे कि प्राइमरी फॉलिकल जो देखते हैं PF जो है प्राइमरी फॉलिकल है ना, इसका डिफिनेशन लिखोगी तो क्या कहोगी? तो सर आपको फॉलिकुलर सेल प्लस क्या होगा सर, आपको प्राइमरी ओसाइट, दोनों का एक साथ मिलाओगी तब कहेंगे सर आपको है ना आपको प्राइमरी फॉलिकल। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहे, प्राइमरी फॉलिकल का क्या डिफिनेशन होगा? प्राइमरी ओसाइट्स को लीजिए सर, 2N सेल है ये, फॉलिकुलर सेल सब तो 2NA है, सब कोई अच्छी नहीं है, 2N ही सेल है, ये दोनों मिला के कहते हैं फॉलिकुलर सेल। हजारों हजार की संख्या में फॉलिकुलर सेल बन जाता है जब बच्चा जन्म लेने के वक्त रहता है, है ना जी। मतलब ऐसा फॉलिकुलर सेल आपको ना प्राइमरी फॉलिकल, इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल आपको 60,000 से 80,000 रहता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, है ना जी। जब ये प्राइमरी फॉलिकल जब 14 साल की उम्र में पहुंचता है सर, ठीक है, सॉरी मतलब वो लाखों लाख रहता है, सॉरी हम कहना ही चाहे 10 लाख के आसपास में ऐसा रहता है, ऐसा वाला बचपन से रहता है, इसको प्रोटेक्शन मिलता है। 14 साल की उम्र आते आते है ना 60 से 80,000 बच जाता है ना NCERT बुक के अकॉर्डिंग, 60 से 80,000 बचता है ना सर, सर 14 साल की उम्र में आ जाता है तो फीमेल में एक खास तरह का एक साइकिल चलता है जिसका नाम मेंस्ट्रुअल साइकिल है। फीमेल रिप्रोडक्टिवली फिट है या नहीं है ये उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल से डिसाइड करते हैं। किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रहा है इसका मतलब वो रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं है, ओवम नहीं बना सकती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही ओवम बनता है, ये बात तय है सर। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना अमूमन 14 ईयर के एज में चलता है और इस दौरान सर ओवम बनता है, ठीक है, ओवरी के अंदर में। अब बहुत सारा चेंज आता है रिप्रोडक्शन से एस्पेक्ट में, है ना, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारा बॉडी में चेंज है ना आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही आता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही सर क्या बनता है सर, आपको ओवम बनता है जी, बिना मेंस्ट्रुअल साइकिल के ओवम बन ही नहीं सकता जी। ठीक है, भारी बात क्या है सर, फीमेल में 14 साल की उम्र से लेकर के 55 साल की उम्र तक क्या चलता है सर आपको, जी आपको आप मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, हम सॉफ्टवेयर में MC के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो देखते हैं है ना जी, इस हिसाब से एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना दिनों का होता है सर, साइकिल बोले ना जी, साइकिल बोले मतलब जहां से शुरू किया वहीं से जाके खत्म होता होगा सर। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिनों का होता है, मतलब एक महीने का होता है जी, है ना, 28 दिनों का आसपास में होता है, एवरेज है ये, है ना। तो इस हिसाब से जोड़िएगा तो साल में कितना मेंस्ट्रुअल साइकिल होता होगा, तो साल में सर 12 से 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल होता होगा। ठीक है, 12 से 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाई देता है, एवरेज मान लो या राउंड फिगर ले लो 12 होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। कुछ जो बिहार बोर्ड का 2019 का क्वेश्चन था जी, ठीक है, तू भी बताना दे, है ना, अब बिना मैथ सब कोई भी पेन नहीं चलाओगे, बिना पेन चलाए बनाना है। ठीक है, देखिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक ओवम बनता है, नॉर्मल नॉर्मली बात, ट्विंस ट्विंस का बात नहीं हो रहा है, ट्विंस का केस अलग है, हम आपको पढ़ाएंगे इसी बुक में ट्विंस क्या होता है। ट्विंस जैसा सोच वाला अभी दिमाग नहीं लाइएगा, जो नॉर्मल देखते हैं सर वो बात करते हैं। ज्यादातर पॉपुलेशन में एक बार में एक ही ओवम बनता है,
और एक बार में एक ओवम जो बनता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बनता है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है और उस दौरान एक ओवम बनता है, ठीक है जी, मतलब एक फीमेल गैमेट बनता है, यहाँ ये जो देख रहे हैं एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बनता है, ठीक है। साल में कितना मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है, 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है, 12 से 13 हो सकता है, तुम 12 ही रखो याद करके, है ना जी। लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल कब से कब तक चल सकता है, 14 से लेकर 55 तक, क्यों, क्योंकि हम बोले थे ना 55 साल की उम्र में आते ओवरी डिजनरेट हो जाता है, ओवरी को खत्म कर दिया है, ओवरी खत्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म, मतलब जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा था ओवरी की वजह से हो रहा था, और ओवरी में चेंज आता है सर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, है ना जी। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक ओवम बनता है सर, तो तुम लोग इसको घटा के कितना निकालो, लगभग 30-31 साल निकलेगा ना जी, 31 ईयर तक चला ना मेंस्ट्रुअल साइकिल, नहीं लग रहा दिमाग, 14 साल की उम्र से स्टार्ट हो रहा है और 55 में जाके खत्म हो रहा है सर, तो कितना गैप हुआ, जब 30 से 31 साल का गैप हुआ, मतलब 30 से 31 साल देख रहे थे और उस 30 से 31 साल में देख रहे थे सर, राजीव तो ये है ना आपको, रुक जाओ, 41 होगा सर, यस सर 41, चलिए ठीक है ना, 41 ईयर तक मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ जी, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या है, ये अपने लाइफ में ये फीमेल है ना जी नॉर्मली कितने ओवम जन्म दे सकते, ओवम रुक जाओ, तुम लोग नहीं बोलना या तुम लोग भी बोल सकते उधर से, हाँ तुम बोलो रे काफी, कितना 492 दोनों ओवरी मिला करके, दोनों ओवरी से एक मंथ में एक ही ओवम निकलता है, एक कोई एक ओवरी से एक ओवम निकलता है, ठीक है। चलो बोलो जल्दी से, मैथ है थोड़ा सा मैथ है यहाँ पे, 2019 का क्वेश्चन है, 2018 या 19 का बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, हालांकि बिहार बोर्ड का नहीं एलएन का क्वेश्चन है, एलएन खूब पूछता था, एलएन का कॉपी पेस्ट करके चढ़ा दिया था 2018 में, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आया था, है ना, बोलो क्या बोला, जोर से बोलो क्वेश्चन से बोलो, ठीक है। देखिए हम बोलना चाह रहे हैं कि लड़कियों में 14 ईयर के एज से लेकर के 55 ईयर के एज तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, ये बात याद हुआ, उसके बाद कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता है, मतलब एक लिमिटेड टाइम तक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। दूसरा ये कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिनों का होता है, ठीक है, इससे तुम आइडिया लगाएगा ना, एक साल में 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, यूनिट मेथड है। और आपको ये भी हम बता दें कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ओवम देता है सर, है ना जी, नॉर्मली एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा तो एक ही ओवम आएगा, इस हिसाब से पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ में फीमेल में कितना ओवम बनेगा, समझ में आया, अब समझा पूरे लाइफ में वो कितना ओवम बनाएगी, नींद तो टूट गया होगा जानता है, 492, तुम बोलो 900, वाह शाबाश, 400 492, इतना इजी सवाल नहीं बनना रे, हो गया, पिछले साल एक लड़का था उसको पूरा पढ़ा देते थे तभी वो नहीं सुन रहा, उसका नाम था 97, हाँ यह मोटा था एकदम, देखा है उधर रहता है, उधर क्या नाम है जो साइबर कैफे है, बहुत दिन वहीं पर रहता है, ये एकदम मोटा मोटा लड़का था, ठीक है, और उसको कितना छेछर था वो, है ना, वो आधा था पूरा कुर्सी को इससे लेके पूरा, देखो बहुत सारा कुर्सी में दाग जो बना होगा, है ना, ऐसे लाइनिंग का दाग, जो रिकॉर्डिंग है सर, अच्छा सर जा, नहीं 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 नहीं, तो हम बता रहे थे क्या, अब देखो मेथड इसको निकालिए, ठीक है, मेथड क्या है कि आपको यहाँ पे देखिए एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से एक ओवम बनता है ना, बहुत इजी था, कैसे तुम्हें गलती कर दी, यहाँ पे एक ओवम है, ठीक है, और साल में देखिए एक साल में, यानी एक साल में कितना बनेगा जी, एक साल में आपको 12 ओवम बनेगा ना जी, मतलब एक ओवम निकला तो इस हिसाब से 12 ओवम नहीं निकलेगा एक साल में, क्योंकि हम बोले थे ना 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा एक, इसको एक महीना मानेंगे तो, अच्छा लोग कितना इसको घटाओगे तो 41 साल होता ना, एवरेज भी निकालो तो 40 साल भी मानो, मतलब कोई झटके में बनाना चाहता है सवाल को तो 40 साल बना लेगा, 40 साल 40 ईयर में कितना होगा, मल्टीप्लाई नहीं कर लेंगे ना, इसको 4 से इसको मतलब 40 से 1244 नहीं हो जाता है ना जी, 480 ऐसे ही आ रहा है ना, 480 ओवम ऐसे ही बन रहा है, 41 के तो लोग 490 बोल रहा है, यही सही है, तो ऑप्शन था 450 से 500, तो यही आंसर मानना था 450 से 500, मतलब वो जो 2018 बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, हम तो आपको क्लास में भी करा के याद करा देते हैं, अभी भी नहीं समझ आया, हाँ तो बोले तो एक ही ओवरी से एक ही ओवम निकलेगा, एक ही ओवम निकल रहा है, ये फोकस करो ना, दो ओवरी अगर दोनों अलग अलग नहीं निकालेगा, है ना जी, एक ओवरी से एक ही ओवम निकलेगा, अगर मान लीजिए मार्च महीना है यहाँ से ओवम निकला तो इस मार्च महीना में ये शांत बैठा रहेगा, समझा रहा जी, और फिर अप्रैल के महीना में इधर से निकलेगा तो ये अप्रैल के महीना में ये शांत रहेगा, दो ओवरी है लेकिन ओवम एक ही ठो बनता है, ठीक है, याद रखिएगा, है ना, दोनों ओवरी एक साथ ओवम नहीं बना सकता है,
किसी भी कंडीशन में नहीं बना सकता है। ठीक है, पहले पर आ जी, वन ऑफ द ओवरी कैन रिलीज ओवम है ना इन ए मंथ, है ना जी, कोई एक ओवरी ही मेंस्ट्रुअल शो करता है, दोनों ओवरी मेंस्ट्रुअल शो नहीं करता है जी। ठीक है, ये सही है, ये दिमाग लगेगा कि हम बोलना भूल गए थे, लेकिन आप तो समझ रहे थे कि हम यहाँ पे थ्योरी लिख दिए थे ना, इस हिसाब से तुमको यही ना देखना था जी। ठीक है, थ्योरी लिखा हुआ था उस हिसाब से चलो, नहीं तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि दोनों ओवरी में से कोई एक ही ओवरी ओवम निकालेगा। अगर मार्च के महीना में यहाँ से ओवम निकल रहा है तो सर इस महीना में यहाँ से नहीं निकलेगा ओवम। ठीक है, ये अप्रैल के महीना में आपको निकालेगा जी, वन बाय वन करके निकालता है, ये सब भी आएगा अभी टॉपिक में, है ना जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन था, अभी तुम लोगों को समझ में आया जी, सब ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आया जी कैसे बनाए। वो लोग सही बोला, 492 जो भी लड़का बोले हो, लड़की बोली तो 492 सही है ना जी, या आप इसको राउंड फिगर में 450 से 500 याद कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई जरूरी थोड़ी है कि 28 दिन का ही हो, किसी किसी शेड्यूल में 35-40 दिन का भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जी। ठीक है, और 450 से 500 तक बोल सकते, मतलब सोचिए कि सर बनाई से 10 लाख है ना जी, बचा 60,000, अब पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ में मात्र 400 से 500 ही ओवम निकाल पाती है जी। ठीक है, अब बांट दोगे बराबर बराबर में तो 200 इधर 200 इधर निकलेगा जी। ठीक है, मतलब या 250 इधर 250 इधर निकलेगा जी। ठीक है, मतलब बहुत कम ही ओवम बना पाती है। अब बच्चे भी कितना जन्म, 20 से 22 ही बच्चे जन्म दे पाते हैं जी। ठीक है, मतलब हम लोग में जो फीमेल में होगा तो एक रिकॉर्ड है कि एक आपको पेरेंट का ना 22 बच्चे थे जी। ठीक है, पाकिस्तान में एक बच्चा तो था, ये रिक्शा पुलर था जी, तो क्या समझे ना, तो उसमें आपको 17 बच्चा था, 2 ऑन द वे था ना जी, 2 साल बाद फिर ऐड हुआ उसमें है ना जी, 22 तक पहुंच गया होगा क्या पता है ना। तो ये हम बताना चाहते हैं क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो देखते हैं सर। ठीक है, ये आपको है ना, ये एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही ओवम बनता है। अब देखिए समझ में आ रहा ना जी सबको, बस 5 मिनट और टाइम हो गया। तो ये देखिए प्राइमरी फॉलिकल है ना, आगे जाके ग्रो करता है, जब लड़की सेक्सुअली मैच्योर होती है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, इस दौरान ये थोड़ा सा ग्रो करता है सर। इसके अंदर में अभी भी पीओ ही है, इसका नाम पीओ ही है, लेकिन इसका सेल बढ़ रहा है सर। सेल क्यों बढ़ता है, ऊपर से टॉर्चर आता रहता है, ब्रेन से टॉर्चर आता है, ब्रेन कहता है कि भाई आपको टाइम आ गया, अपने सेल को डिवाइड कीजिए, अपने आप को ग्रो कीजिए, है ना। और ये जो ये तो फॉलिकुलर सेल होगा, ये प्राइमरी साइट होगा, ये फॉलिकुलर सेल ही एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकालता है, एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकालता है। लड़कियों में लड़के वाली बात है ना, लड़कियों वाली बात जो होता है, ठीक है, ये कौन आता है, एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन आता है। ठीक है, हम अभी आपको बोले भी थे ना, कल के क्लास में भी बोले थे कि ओवरी दो काम करता है, एक तो ओवम बना ही रहा है सर, साथ साथ क्या कर रहा है सर, आपको हार्मोन भी आपको बनाता है जी। लड़कियों में दो तरह का हार्मोन निकलता है, एक एस्ट्रोजन है और एक क्या है, प्रोजेस्टेरोन है जी। ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जी, दो तरह का हार्मोन है। ये दोनों हार्मोन कहाँ से निकलता है सर, आपको ओवरी के ही अंदर में निकलता है। तो चलिए ओवरी में कौन ऐसा सेल है जो हार्मोन बनाता है, तो पता चल गया ना, फॉलिकुलर सेल बनाता है। और ये भी तुम खास बोलोगी, सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल से बनना शुरू हो जाता है सर, ये सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल होगा ना, क्या जा रहा है जी, इसको हम प्राइमरी फॉलिकल कहे थे, इसको सेकेंडरी फॉलिकल कहें। वाई सर, क्योंकि सर प्राइमरी फॉलिकल सेल डिवीजन किया, सेल डिवीजन करके अपने आबादी को बढ़ाया सर, या अपने आबादी को माइक्रोसिस डिवीजन करके अपने आबादी को सेल को बढ़ा रहा है, किसी भी तरह से बचा रहा है बच्चे को, है ना, मतलब प्राइमरी साइज को बचा रहा है WBC के अटैक से, है ना जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये जो बढ़ रहा है ना सर, हजारों सेल हो यहाँ पे जी। ठीक है, ये बस ना कि एक दो सेल है, हजारों सेल है, ये हजारों सेल से हार्मोन निकलता है, फीमेल हार्मोन, जिसका नाम एस्ट्रोजन हार्मोन। ये हार्मोन फीमेल के लिए बहुत कुछ करता है, जैसे लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काम करता है, उसी तरह लड़कियों में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है, उससे पूरे बॉडी को सपोर्ट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, है ना, बहुत सारा फीचर्स, है ना जी, म्यूकस का डेवलपमेंट करना, सिलिया फ्लैजला बनाना, ये सब काम कौन करता है, एस्ट्रोजन करता है। कुछ दिन बाद ये और बड़ा हो जाता है सर, है ना जी, ब्रेन कहता है कि भाई हम तुमसे खुश नहीं है, और तुम बड़ा हो जाओ, तुमको और बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जब ये और ज्यादा बड़ा हो जाता है सर, तो इसका नाम क्या पड़ता है सर, आपको टर्टरी फॉलिकल के नाम से बुलाते हैं। इसमें अब जो देखते हैं सर, यहाँ पे था पीओ, पीओ मैंने प्राइमरी ओसाइट, यहाँ पे बन जाता है सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट याद कीजिए, एक बड़ा सा सेल बनता है, एक छोटा सा सेल बनता है। अरे भाई ये वाला फोटो ये देखो, ये वाला सेकंड मियोसिस, फर्स्ट मियोसिस ना, मियोसिस फर्स्ट, है ना जी। ये प्राइमरी ओसाइट तो बन के रहा हुआ था माँ के गर्भ में ही, लेकिन सेकंड फर्स्ट मियोसिस कब हुआ, मियोसिस फर्स्ट तब होता है जब है ना आपको सेकेंडरी फॉलिक्यूल से टर्सरी फॉलिक्यूल बनता है जी। इसका नाम क्या लिखे हम लोग, टर्सरी फॉलिक्यूल जा रहा था समझे, ना जी विचारण तुम समझा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फर्स्ट मियोसिस है ना कि सेकेंड मियोसिस, है ना जी। yes, मियोसिस फर्स्ट होगा तो एक बड़ा सा सेल बनेगा, एक छोटा सा सेल बनेगा जी। ठीक है, अब देखो बड़ा सा सेल बनेगा, उसका नाम क्या रख रहे हैं, सेकेंडरी ओसाइट, कलर पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाल पेन से हम दिखा रहे हैं आपको क्या, सेकेंडरी ओसाइट को, लाल पेन जो देख रहे हैं सेकेंडरी ओसाइट, ऑलवेज हैप्लॉइड। इसमें जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है सर, यहाँ पे बनता है, ब्लू पेन से हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। अब याद करो पोल पे जो बनता है उसको पोलर बॉडी नहीं कहेंगे, पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो एपेक्स पे बनता है जी। अब आया नाम इसका क्लियर, पोलर बॉडी की क्यों पड़ा नाम, तो पोलर बॉडी का नाम पोलर बॉडी इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे एपेक्स साइड पे बनता है सर, ऊपरी हिस्सा में बनता है, इसका नाम पड़ गया पोलर बॉडी।
अब बनते ही मर जाता है सर, ठीक है, ज्यादा देर के लिए नहीं रहता है। इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब आप लोग को टीचर तुमसे पूछा भाई पोलर बॉडी का नाम पोलर बॉडी क्यों है जी, तो जवाब दोगे सर जब फॉर्मेशन होता है तो टर्शियरी फॉलिकल जो बनता है ना सर, तब बनता है सेकेंडरी ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी। और सेकेंडरी ऑक्साइड जो बना है फर्स्ट पोलर बॉडी बना है, तो फर्स्ट पोलर बॉडी सर आपके आगे जाके मियोसिस कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, जब छोड़िएगा नहीं कोई भी लड़का, बहुत क्लाइमेक्स हम लोग है। अब जब ये बन जाता है सर, तो इसमें हम कहे थे तुमको कल कहे थे ना, इसका नाम TF रखे हैं। पहचानोगे कब ये सर टर्शियरी फॉलिकल बने, जब इसमें फ्लूइड फिलेट कैविटी दिखाई देगा, पानी से भरा हुआ थैली दिखाई देगा, उस पानी से भरे हुए थैली का नाम क्या है, एंट्रम के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, एंट्रम। एंट्रम क्या होता है, फ्लूइड फिलेट कैविटी होता है जी, ये भी बात आप लोगों को याद हो गया। अब जब जब ये टर्शियरी फॉलिकल बन गया सर, ठीक है, तब सर ये आगे जाकर सर क्या करता है, और ज्यादा बड़ा हो जाता है सर, और ज्यादा जो बड़ा होता है ना, तो उसका नाम क्या पड़ता है सर, ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल। अब यहाँ क्वार्टरनरी नहीं कोई लड़का कहेगा, ये क्वार्टरनरी नहीं है, ये आपको क्या सर आपको टर्शियरी फॉलिकल है, सॉरी मतलब ग्राफियन फॉलिकल कहिए या मैच्योर फॉलिकल कहिए जी, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ना, इसका नाम क्या होगा सर आपको, इसका नाम आप लिख रहे हैं सर, इसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन, ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल। आप तुम लोग कहोगे सर ये सब क्या कर रहा था भाई, यही हार्मोन निकाल रहा है, ये भी यही हार्मोन निकाल रहा है, सिर्फ एस्ट्रोजन हार्मोन, इंग्लिश ये भी पकड़ना, प्रोजेस्टेरोन का बात ही नहीं किया अभी हम, अभी हम लिखे थे ना लड़कियों में दो तरह का हार्मोन निकलता है, तो सिर्फ एस्ट्रोजन निकालने की बात होगी, तो सिर्फ सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल। वी ऑल्सो नो दैट ग्राफियन फॉलिकल ऑल्सो नोन एज मैच्योर फॉलिकल, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मैच्योर फॉलिकल कहते हैं। ब्रेन और गुस्सा है जी, अब मानिक कूलर का तुम्हारा इतना काम करके दे रहा है और तुम उसको डेली टॉर्चर कर रहे हो, मैंने हमने स्टूडेंट को एक लड़का ऐसा था जिसको हम खूब टॉर्चर कर रहे हैं, तो लोग इन्हें भड़क जाएगा, वो भी गुस्सा जाएगा ना कि सर अब कुछ कर भी नहीं, फाड़ के काट फाड़ के भाग जाएगा, ठीक है। वही बात यहाँ पे भी है कि सर जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है तो ब्रेन उसको और टॉर्चर करता है कि भाई तू ऐसा नहीं करो, और ज्यादा कर, और काम कर, ये हम कर भी नहीं कर, जो तुम जो जिसकी रक्षा कर हम उसको फेंक के भाग जाते हैं, ठीक है। देखो ये किसके लिए क्या क्यों क्यों आया है, ये आया है सर सेकेंडरी ओसाइट की रक्षा करने के लिए ना जी, दिमाग लग रहा है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सेकेंडरी ओसाइट, ये क्या था सेकेंडरी ओसाइट, फर्स्ट पोलर बॉडी तो मर चुका है। अब कोई बिहार बोर्ड के मास्टर का ही कहना है कि नहीं ये सर मियोसिस भी करता, करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, फायदा नहीं है उसका सर, वो तो चला जाएगा एक तरफ से, है ना जी। क्लियर रीजन क्या बोलना चाह रहे हैं, और इसमें भी एंट्रम होगा, इसमें भी एंट्रम दिखाई देगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर ये बात देखिए ना, ये बच्चा इतना काम कर रहा है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन भी बना रहा है, ये इसका जो काम है एस्ट्रोजन हार्मोन का बहुत लंबा पिक ला रहा है, पिक मतलब बहुत ज्यादा, देखो ना बड़ा हो गया ना, टर्शियरी से ज्यादा बड़ा हो जाता है, ये ज्यादा बड़ा था, ज्यादा एस्ट्रोजन निकाल, इतना काम करके दिया फिर भी मार खाए ऊपर से, LHFSS का डोज लगता रहता ना उसपे, मतलब हम आपको पढ़ाएंगे सब चीज बात है ना, कि ओवरी को है ना धक्का देता रहा ब्रेन कि भाई ज्यादा निकाल, ज्यादा निकाल एस्ट्रोजन, ज्यादा निकाल, वो कहते निकाल तो रहे हैं अब कितना निकाले, ठीक है, वो कहता कि नहीं निकालो निकालो, अब जो तुम हमको काम दिया हम तो फट जाए, मतलब ज्यादा टॉर्चर होने से, माने कोई बच्चा इतना मेहनत कर रहा है, वो हर दिन पढ़ रहा है मेरे लिए सब कुछ, तैयो हम उसको टॉर्चर कर रहे हैं, टॉर्चर करते करते ना आप छोड़ देते बैठ लीजिए, लो आप फाड़ के फेंक देता मैच लेके, है ना, तो ऐसा टाइप का हो जाएगा ना, वही यहाँ पे क्या करेगा सर, वो इतना टॉर्चर लग रहा है ब्रेन से, है ना, ब्रेन उसको धक्का मारता रहता है सर, बस पांच मिनट को, है ना, तो ब्रेन जब धक्का मारता रहता है सर, ठीक है, तो ये फट जाता है सर, और फटने से सर क्या होता है ना, मैच्योर फॉलिकल फटता है, और इसके अंदर में जो सेकेंडरी साइड बाहर निकल जाता है, और जो सेकेंडरी साइड बाहर निकले तो कहाँ जाएगा, याद करो यहाँ जाएगा, आपको ये लड़का गौर कर रहा है, सेकेंडरी साइड यहाँ आता है जी, ना कि ओवम, ये भारी बात था, किसी भी फीमेल में ओवुलेशन जो होता है सर, ओवुलेशन किसका हो रहा था सर, ओवुलेशन, ओवुलेशन हम लोग कल जो लिखे थे डेफिनेशन, रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन, गलत था, रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, यस यही बात भाई था, सेकेंडरी ओसाइट जो होता है, रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, रिलीजिंग ऑफ है ना आपको SO फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड, है ना, इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं सर हम लोग, ओवुलेशन का, ये भारी बात है जी, देखना सीबीएसई वाला तो तुम यही याद करना, बिहार वाला उल्टा फुल्टा भूल देता है तो मास्टर भी उल्टा फुल्टा रहता तो माफ कर देगा, लेकिन सीबीएसई वाला जान से तुमसे नंबर गलत करवा लेगा, एनसीईआरटी में खुद लिखा हुआ है, तुम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो एनसीईआरटी में भी लिखोगी कि सेकेंडरी ओसाइट जो होता है वो रिलीज होता है सर ओवुलेशन के दिन, हमने कहा था जब मैच्योर फॉलिकल बनता है तो इस पर टॉर्चर पड़ता है, सब वो कब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, लड़की में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है सर, इस पर इतना टॉर्चर होता है कि अपना सेकेंडरी ओसाइट बाहर कर देता है, सेकेंडरी साइड बाहर होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ओवुलेशन, सर आप कल इसको ओवम बुला रहे थे, नहीं ये ओवम हो ही नहीं सकता है, सेकेंडरी साइड हमने कहा था ना कि ये ओवम नहीं है, हैप्लॉइड भले है पर ओवम नहीं है सर, आपको लड़का इतना ही दूर पढ़ने के बाद समझ जाएगा कि मियोसिस टू है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फिलोपियन ट्यूब में होता है, दिमाग रजन क्या बनाता है, मतलब मियोसिस टू जो होना रहेगा वो मियोसिस टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के है ना, आपको कहां से होता है फिलोपियन ट्यूब में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, और जो बच जाता है सर, अभी हम कहते हैं जब ये निकल दिया तब इसमें जो बचा हुआ सेल सब है जी, अभी भी ये सेल सब मरा नहीं है, ये सब सेल सब जिंदा है सर, ब्रेन टॉर्चर कर रहा है, अब ये कहता है कि ठीक है आप तुम कहा ना तो हम निकल रहे हैं ना, अब हम तुम्हारे लिए काम करेंगे,
तब ये जब बच जाता है सर, रिमेनिंग सेल को हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कल कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम दोनों हार्मोन निकालता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी निकालता है और एस्ट्रोजन भी निकालता है। ब्रेन शांत हो जाता है, ब्रेन कहता है हाँ आप ठीक है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ब्लड को बनाने में मदद, ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है जी, ठीक है। फीमेल में ब्लड सप्लाई जहाँ 1 ml खून जाता है वहाँ 10 ml खून पहुंचा के देता है कॉर्पस ल्यूटियम, है ना जी। अब इसके अंदर में कुछ नहीं है, यहाँ पे ब्लड क्लॉट है, जहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट रहा करता था, अब वो सेकेंडरी ओसाइट यहाँ से हट चुका है सर, यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट देखने को नहीं मिला जी, ठीक है। उसके बाद है ना जी, ये कॉर्पस ल्यूटियम कुछ दिन तक जिंदा रहता है सर, और उसके बाद एक दिन आता है कॉर्पस ल्यूटियम ही मर जाता है सर। कॉर्पस ल्यूटियम जैसे मरेगा फिर से प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो जाएगा, ये साइकिल चल रहा ना, ओवेरियन साइकिल। जैसे ये वाला ये वाला यहाँ लेकर यहाँ सर, जैसे यहाँ खत्म हुआ फिर से अब ये वही काम फिर से करेगा हर महीने, ये 28 दिन पे होता रहता है। यहाँ से यहाँ तक आने में 28 दिन का समय लगता है, ठीक है। और जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर अगला फिर ये चलेगा यहाँ से यहाँ, ठीक है। क्लियर हो रहा है क्या बोलना चाहे? कुछ तो गया होगा कल की तुलना में, कुछ ज्यादा ऐड हुआ होगा, कल फिर से इसको देखेंगे, है ना। कल ज्यादा कुछ नया कुछ सीखने की कोशिश करेंगे जी, कल के क्लास में मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे, ठीक है। रहने दीजिए, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाता है आगे जाके सर। हाँ हाँ, आगे जाके डीजनरेट कर जाएगा, जिस दिन कॉर्पस से मरता है तो कॉर्पस एल बिकम करता है। रहने दो, लीव कर दो अपने से। सर 10 बजे क्लास से मैसेज कर दीजिए, उस दिन आप 10 बजे शुरू कर दिए, 10:10 में ज्वाइन किए थे। अच्छा ठीक है, कर देंगे, पहले कर देंगे, मैसेज कर देंगे, ठीक ठीक है, लीव कर दो।